हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरोजनी नगर का ह्यूज हॉल। तो मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है सरोजनी नगर से, मोस्टली विंटर कलेक्शन है, मगर एक दो पीसेस ऐसे हैं जिनको समर में भी मैं पहन सकती हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सरोजनी नगर से क्या क्या खरीदा है। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। मैंने काफ़ी सारे क्लोथिंग आइटम्स खरीदे हैं, इसके अलावा मैंने कुछ एसेसरीज भी खरीदी है, यानी ईयरिंग्स वगैरह, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एसेसरीज दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े दिखाऊंगी और मैं रैंडम ऑर्डर में दिखाऊंगी, जो भी मेरे हाथ में पहले आ जाएगा मैं वो आपको दिखा दूंगी। तो सरोजनी नगर से मैंने कुछ ईयरिंग्स भी परचेज किए हैं तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला है ये वाला ईयरिंग, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड कलर का ईयरिंग है। यहाँ नीचे छोटे छोटे झुमके लगे हुए हैं और उसके अंदर रेड कलर के बीड्स लगे हुए हैं। ये बहुत ही प्यारे से हैं और ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे से हैं, मगर इतने छोटे भी नहीं हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ये वाले कान में पहनने के बाद मुझे इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे कि सेम डिज़ाइन में मैंने पिंक कलर के भी खरीद लिए। इन दोनों का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है बट डिफरेंट कलर है। ये डीप रेड कलर के हैं और ये पिंक कलर के हैं, डिज़ाइन मगर दोनों का बिल्कुल सेम है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स के साथ मैच करने के लिए मैंने इनको ख़रीदा है और इन दोनों का ही प्राइस था 50 रुपीज़ ईच। नेक्स्ट मैंने खरीदे हैं ये वाले ग्रीन कलर के ईयरिंग्स, ये डार्क ग्रीन कलर के हुप ईयरिंग्स हैं और ये प्लास्टिक के हैं, इनके अंदर छोटे छोटे प्लास्टिक के बीड्स लगे हुए हैं। देखने में ये ईयरिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इसके अंदर मुझे पिंक कलर के चाहिए थे मगर पिंक कलर वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो मुझे ये ग्रीन कलर बहुत सुंदर लगा तो इसलिए मैंने इनको ख़रीद लिया और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो नेक्स्ट है ये, और इनका प्राइस भी था सिर्फ 50 रुपीज़। ये वाले वाइट पर्ल ईयरिंग्स भी मैंने सरोजनी नगर से ही परचेज किए थे, इसके अंदर दोनों साइड पर छोटे वाले पर्ल्स लगे हुए हैं और इसके सेंटर में एक मोटा वाला पर्ल लगा हुआ है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और ये काफ़ी रिजनेबल भी थे, इनका प्राइस था सिर्फ 30 रुपीज़। ज्वेलरी में मैंने सिर्फ इतने ही ईयरिंग्स खरीदे थे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी है, ईयरिंग्स का कलेक्शन भी मेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो इसलिए ज़्यादा मैंने ज्वेलरी नहीं खरीदी है। और इसके अलावा मैंने दो सनग्लासेस भी सरोजनी नगर से खरीदे हैं। तो सबसे पहले है ये वाले सनग्लासेस, तो ये वाइट फ्रेम वाले सनग्लासेस आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, सभी जगह पर ये अवेलेबल है और देखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे इतने ज़्यादा फैंसी ग्लासेस पसंद नहीं है, मैं बेसिक ब्राउन या ब्लैक कलर के ग्लासेस लगाती हूँ, तो फॉर अ चेंज मैंने सोचा कि मैं भी इनको ट्राई करके देखती हूँ, शायद मेरे ऊपर भी अच्छे लग जाए। तो मेरे ऊपर ये कैसे लगते हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरे वाले जो है वो भी सेम ग्लासेस हैं, ये भी देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल सेम इनका पैटर्न और डिज़ाइन है, फ्रेम भी इनका बिल्कुल सेम टू सेम है, बस इनका कलर डिफरेंट है, वो येलो है और ये रेड है। तो ये भी मुझे अच्छे लग रहे थे और मुझे काफ़ी रिजनेबल लग रहे थे तो इसलिए मैंने एक की बजाय दो खरीद लिए। तो आप बताइएगा कि मुझ पर ये कैसे लग रहे हैं। और इन सनग्लासेस का प्राइस था 150 रुपीज़ ईच, ये भी 150 रुपीज़ का था और ये भी 150 रुपीज़ में, यानी 300 रुपये में दो। तो बस इतने ही एसेसरीज मैंने खरीदी थी। अब बारी आती है कपड़ों की, तो चलिए अब मैं जल्दी से आपको कपड़े दिखा देती हूँ। इन सभी कपड़ों के ट्राई ऑन भी मैं यहीं पर लगा दूंगी तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि पहनने के बाद ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। सबसे पहला क्लोथिंग आइटम जो मैंने सरोजनी नगर से परचेज किया है वो है ये बहुत ही क्यूट सा ग्रीन कलर का स्लीवलेस टॉप। ये थोड़ा सा वुलन है मगर इतना ज़्यादा भी वुलन नहीं है, थोड़ा सा ये ट्रांजी भी है तो इसको आप मिक्स वेदर में पहन सकते हैं या फिर आप इसको चाहें तो समर्स में भी पहन सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल और काफ़ी सॉफ्ट है। इस टाइप के सॉफ्ट फैब्रिक के कपड़े मुझे रात को पहनकर सोना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तो उस पर्पज़ से मैंने इसको ख़रीदा था। ये स्लीवलेस है और काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल है और इसका कलर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था तो इसको मैंने 50 रुपीज़ में परचेज किया था। तो पहला है ये, और नेक्स्ट है ये चेकर्ड प्रिंट का टॉप, ये भी क्रॉप टॉप है, इसकी फुल स्लीव्स हैं और इसकी राउंड नेकलाइन है, इसके फ्रंट पर दो इस तरह के होल दिए गए हैं जो कि पता नहीं क्यों दिए गए हैं, इसमें कोई डोरी नहीं थी, ये एज इट इज़ था। इसका प्रिंट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, चेकर्ड प्रिंट आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और मेरे पास लगभग इसी पैटर्न की एक पैंट भी है, वुलन पैंट, तो मुझे लगा कि मैं उसके साथ इसे पैर करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये टॉप मुझे मिला था सिर्फ 100 रुपीज़ में। नेक्स्ट है ये बहुत ही सुंदर सा रस्ट ऑरेंज कलर का हाई नेक, ये स्लीवलेस है और इसका नेक कुछ इस तरीके का है तो
तो आप इसको कुछ इस तरीके से पहनेंगे तो आपको बिल्कुल भी गले पर ठंड नहीं लगेगी और मफलर या नेक वार्मर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। मुझे ऐसे सॉलिड कलर के कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मेरे पास ऑरेंज कलर का कोई भी टॉप नहीं था तो इसलिए मैंने इसे खरीदा। और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो ये सर्दी के पर्पज़ से एकदम अप्रोप्रिएट है और इसको भी आप लेयरिंग करके बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। इसको आप फुल स्लीव बॉडी सूट के साथ कैरी कर सकते हैं। इसके साथ आप स्किनी जीन्स या फिर वाइट लेग डेनिम भी पहनेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी और जैकेट के साथ इसे कैरी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। और ये हाईनेक मुझे मिला था सिर्फ 100 रुपीज़ में। नेक्स्ट है ये बहुत ही सुंदर सा लाइलैक कलर का या लाइट पर्पल कलर का स्वेटर। एक्चुअली ये स्वेटर नहीं है, ये टॉप ही है। इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो ये प्रॉपर वुलन स्वेटर तो नहीं है मगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लाइलैक कलर आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, एवरीवेयर इज लाइलैक कलर। और इसकी बोट नेकलाइन है और इसकी स्लीव्स तो ज़्यादा ही लंबी है। इसको पहनने पर यहाँ पर थोड़ी चूड़िया सी बन जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको मैंने इसके कलर और इसके नेकलाइन की वजह से लिया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो ये भी लेयरिंग के ही काम आएगा। और ये मिक्स वेदर में भी आप पहन सकते हैं और ये मुझे मिला था सिर्फ 200 रुपीज़ में। नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और वो है ये बहुत ही सुंदर सा वाइट कलर का क्रॉप टॉप। इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी नेकलाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, वी शेप की है और इसको आप ऐसा ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हैं। इसके अलावा इसकी स्लीव्स की लेंथ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, एल्बो तक आ रही थी तो मुझे लगा कि मैं इसको डेनिम वगैरह के साथ तो पहन ही सकती हूँ। इसके अलावा विंटर में साड़ी के साथ मैं इसे एज अ ब्लाउज भी कैरी कर सकती हूँ तो नॉर्मल ब्लाउज जो होते हैं उसमें ठंड लगती है तो इस तरह का कुछ वूलन होगा तो उसमें ठंड लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये बहुत ही सुंदर सा क्रॉप टॉप मुझे मिला था सिर्फ 150 रुपीज़ में। नेक्स्ट मैंने खरीदी है ये बेसिक सी डार्क ग्रे कलर की टी शर्ट। इसको आप गर्मी में भी पहन सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल और सॉफ्ट है। बहुत ही पतला सा इसका मटेरियल है, बहुत ही एकदम ट्रांसपेरेंट सा है मगर पहनने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसको मैंने पहन के देखा था, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और थोड़ी लूज भी है तो मुझे इस टाइप के कपड़े ही घर पर पहनना बहुत पसंद है। तो बहुत ही बेसिक सी है तो आप चाहे तो इसे घर पर पहनने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं। मैंने तो इसे घर पर पहनने के लिए खरीदी थी और इसको मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ में खरीदा था। तो नेक्स्ट ही ये नेक्स्ट जो मैंने वुलन टॉप खरीदा है वो है ये बहुत ही सुंदर सा डार्क पर्पल कलर का टॉप। इसकी स्क्वायर नेकलाइन है आगे और पीछे दोनों साइड से। इसकी फुल स्लीव्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा वार्म टॉप है। सर्दियों में जैसे हम लोग वुलन कुर्तीज़ पहनते हैं कुछ उस टाइप का इसका मटेरियल है। काफ़ी ज़्यादा थिक तो नहीं है मगर काफ़ी ज़्यादा वार्म है इसका मटेरियल और पहनने पर ये टॉप बहुत ही सुंदर लग रहा था। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस टाइप के क्रॉप टॉप्स साड़ी के साथ पहनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वेडिंग सीजन चल रहा है और वेडिंग्स में हम अपने डिज़ाइनर और बैकलेस ब्लाउज वगैरह पहनकर कभी कभी नहीं जा पाते हैं क्योंकि ठंड लगती है तो उस टाइम इस टाइप के वुलन क्रॉप टॉप्स बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये और ठंड भी नहीं लगती है इनमें। तो उसी पर्पज़ से मैंने इसको भी ख़रीदा था। इसका कलर मेरी काफ़ी सारी साड़ियों के साथ मैच कर जाएगा, किसी भी गोल्ड टोन की साड़ी हो उसके साथ ये काफ़ी अच्छे से जाएगा। सेम पर्पज़ से मैंने व्हाइट वाला टॉप भी लिया था। इसको मैं एज अ क्रॉप टॉप और एज अ ब्लाउज दोनों तरीके से कैरी कर सकती हूँ इसलिए मैंने इसे खरीदा था और ये मुझे मिला था सिर्फ 150 रुपीज़ में। नेक्स्ट मैंने सरोजिनी नगर से परचेज किया है ये बहुत ही सुंदर सा पार्टीवेयर ब्लैक टॉप। इसका नेक प्रॉपर हाई नेक तो नहीं है मगर कुछ इस तरीके का है। ये पूरा मैश टॉप है मगर इसके फ्रंट और बैक पर गोल्डन कलर की अंदर की तरफ शिमरी लाइनिंग लगी हुई है, कुछ इस तरीके की इसके अंदर लाइनिंग लगी हुई है, बिल्कुल एकदम ग्लिटरी सा इफेक्ट है, बहुत ही सुंदर लग रही थी ये। और इसके ऊपर मैश का टॉप है और इसकी स्लीव्स जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और नेक पर से भी ये पूरा ट्रांसपेरेंट है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये पहनने के बाद। और काफ़ी ज़्यादा पार्टीवेयर काइंड ऑफ टॉप है और ये बहुत ही सुंदर सा ग्लिटरी पार्टीवेयर टॉप मुझे मिला था सिर्फ 100 रुपीज़ में। इसके अलावा ये जो अभी मैंने पहना हुआ है ये बबल गम पिंक कलर का टॉप है, ये भी क्रॉप टॉप है और ये वूलन टॉप है। बहुत ही पतला सा इसका भी मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल है और फुल स्लीव्स है इसकी, काफ़ी कोजी सा है ये, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था ये भी। इसका कलर एक तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, दूसरा ये थोड़ा सा ना फ्लीस का जो मटेरियल होता है ये उस टाइप का है और मगर ये थोड़ा सा क्रॉप है तो ये भी मुझे बेली बटन तक ही आता है तो मुझे इसको पहन के बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा कोजी कोजी सा फील होता है, फ्लीस का है ना इसलिए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। आई थिंक इस पर H&M या शीन का टैग लगा हुआ है, अभी मैं चेक करके बताती हूँ। हाँ
इसके ऊपर H&M डिवाइडेड का टैग लगा हुआ है, तो ये H&M का है और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं काफी ज्यादा मजे से इसको एंजॉय कर रही हूँ पहन पहन के। तो नेक्स्ट था ये, और हाँ इसका प्राइस था सिर्फ 50 रुपीज़। तो नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम जो मैंने सरोजिनी नगर से परचेज किया है वो है ये बहुत ही सुंदर सा ब्लैक कलर का वुलन टॉप। ये प्रॉपर निटेड टॉप है, निटेड स्वेटर है सॉरी, ये प्रॉपर निटेड स्वेटर है। इसकी कुछ इस तरीके की राउंड नेकलाइन है, काफ़ी छोटी वाली, और इस टाइप की नेकलाइन स्वेटर्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी प्रॉपर फुल स्लीव्स हैं और ये ड्रॉप शोल्डर स्वेटर है जो कि यहाँ से गिरा हुआ होता है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये स्वेटर, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। इस टाइप के स्वेटर्स आपको अर्बेनिक पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, H&M पे भी ये अवेलेबल है। H&M, ज़ारा और अर्बेनिक पे ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा वार्म स्वेटर है ये, इसको पहन के बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। बट ये निटेड है तो इसके अंदर आपको कुछ अच्छे से इनरवेयर पहनने होंगे, स्पैगेटी वगैरह पहननी पड़ेगी या फिर कोई हाईनेक वगैरह डाल ले तो और भी ज़्यादा ये आपको वार्म रखेगा। बट एज इट इज़ भी ये काफ़ी ज़्यादा वार्म है और इसकी स्लीव्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी कोजी कोजी सी वाइब्स आती हैं इसको पहनकर। इसको ऑलरेडी मैंने पहन के देखा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल था। ये मुझे सिर्फ 200 रुपीज़ में मिला था। सरोजनी नगर से मैंने पजामा भी परचेज किया है, इसको देखकर भी मुझे क्रिसमस वाइब्स आ रही थी। काफ़ी अच्छा इसका चेकर्ड प्रिंट है, क्रिसमस में इस तरह के पजामे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहनना। इसके अंदर पॉकेट्स भी हैं दोनों साइड पर, इसकी वेस्ट पर भी इलास्टिक लगी हुई है और ये थोड़ा सा ब्लैंकेट का जो मटेरियल होता है ना, कुछ उस टाइप का इसका फैब्रिक है, आई थिंक फ्लीस, हाँ। और ये पजामा भी फ्लीस मटेरियल का है, यहाँ से इसका इसकी मोरी कुछ इस टाइप की है और मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से ये फिट भी हो गया है। घर में पहनने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। इसका कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अमेजिंग है और इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा वॉर्म है। ये फ्लीस मटेरियल का है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी कोजी है और ये मुझे 200 रुपीज़ का मिला था। नेक्स्ट मैंने सरोजिनी नगर से परचेज किया है भालू वाला क्रॉप टॉप। तो ये है भालू वाला क्रॉप टॉप, ये सच में बहुत ही ज़्यादा क्रॉप है। इसको क्या बोलते हैं, इसको आई थिंक टैडी जैकेट या इसको शायद टैडी मटेरियल बोलते हैं या टैडी का फैब्रिक बोलते हैं, जो भी हो टैडी बेयर का जो फैब्रिक होता है कुछ उस टाइप का इसका मटेरियल है। तो ये बेसिकली क्रॉप टॉप है, इसके अंदर हुड लगा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा क्रॉप है। ये मुझे बेली बटन से भी ऊपर तक आ रहा है और इसकी स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और ये भी ड्रॉप शोल्डर है तो काफ़ी ज़्यादा लूज लूज सा लगता है ये, और पहनने में मगर बड़ा ही ज़्यादा क्यूट है। और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ब्लश पिंक कलर है इसका और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल सा, काफ़ी ज़्यादा कोजी इसका फैब्रिक है और छूने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे टेडी बेयर को मैं हग कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसके ऊपर टैग लगा हुआ है शीन का और इस बहुत ही क्यूट प्यारे से और सॉफ्ट से क्रॉप टॉप का प्राइस था सिर्फ 150 रुपीज़। तो ये नेक्स्ट है ये बहुत ही प्यारी सी वुलन ड्रेस, इसकी नेकलाइन कुछ इस तरह की है और इसके अंदर काफ़ी मोटा फैब्रिक लगा हुआ है। इसके अंदर फैब्रिक की 4 लेयर इसके नेक पर दी हुई है तो ये नेक को काफ़ी ज़्यादा वार्म रखता है। और इसके फ्रंट पर इस टाइप की कुछ डोरी लगी हुई है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की डोरीज हैं और इसकी फुल स्लीव्स हैं। स्लीव्स पर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा और थिक बॉर्डर लगा हुआ है और इसके फ्रंट पर सुपर ड्राई स्टेट वेस्ट चेस्टर न्यूयॉर्क लिखा हुआ है और इसके फ्रंट में दोनों साइड पर इस टाइप की पॉकेट्स हैं जैसे कि नॉर्मल हुडीज में होती है। यहाँ पर अगेन बॉर्डर दिया गया है काफ़ी थिक सा, तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ड्रेस है। इसका ग्रे कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, काफ़ी अच्छा और क्लासी सा पीस लग रहा था मुझे। इस टाइप की ड्रेसेस को आप अपने विंटर बूट्स के साथ कैरी कर सकते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट जो वुलन वाली लेगिंग्स आती हैं उनके साथ आप इसको पहन के कैरी कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये मुझे सिर्फ 200 रुपीज़ की मिली थी। इसके अलावा मैंने सरोजनी नगर से एक और वुलन ड्रेस खरीदी थी, वो है ये वो जो पहले मैंने दिखाई थी वो लाइट ग्रे कलर की थी और ये वाली ड्रेस डार्क ग्रे कलर की है। इसकी नेकलाइन कुछ इस तरह की है, डीप वी नेकलाइन है इसकी और ये बिल्कुल स्लीवलेस है। इसका फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा थिक है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है और ये प्रॉपर वूलन ड्रेस है। ओवरऑल ये सेम इसी तरीके की है और काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ये बैक साइड से भी ये पूरी प्लेन है
और इसके पीछे की तरफ इस तरीके का कट लगा हुआ है जैसा नॉर्मली ड्रेसेस वगैरह में होता है। एज इट इज़ तो ये पहनी नहीं जा सकती क्योंकि स्लीवलेस है और नेक भी काफ़ी ज़्यादा डीप है, वैसे तो ठंड लगेगी इसको पहनने में, मगर आप इसे हाई नेक के साथ या फिर बॉडी सूट के साथ पहनेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली है। और इसको भी आप अपने बूट्स के साथ पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैंने इस ड्रेस को खरीदा था सिर्फ 100 रुपीज़ में। तो नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम जो मैंने खरीदा है वो है बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइट ब्लू कलर का ये स्वेटर। इसकी वी नेक लाइन है और इसकी नेक लाइन पर डार्क ब्लू कलर का बॉर्डर लगा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है लाइट ब्लू के साथ। और इस स्वेटर के अंदर हुड भी है, इसके ऊपर भी ब्लू कलर का बॉर्डर बना हुआ है, इसकी भी फुल स्लीव्स है। पीछे से भी ये स्वेटर पूरा प्लेन है, प्रॉपर वूलन फैब्रिक है इसका, उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं है मगर काफी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है और काफी वार्म रखने वाला है ये मुझे। तो ये स्वेटर भी मुझे कलर की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इसका प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल था। ये मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ में मिला था तो इसलिए मैंने इसको खरीद लिया। तो सरोजिनी नगर से मैंने एक डेनिम भी खरीदी है, तो ये है कुछ इस टाइप की, काफ़ी लूज फिट वाली डेनिम है मगर मुझे अच्छे से फिट हो गई है। तो बेसिक सी ब्लू कलर की डेनिम है। इस तरह की डेनिम्स आपको सरोजिनी नगर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको स्किनी जीन्स, वाइड लेग जीन्स, मॉम जीन्स, बॉयफ्रेंड जीन्स, रिप जीन्स, सब तरह की जीन्स मिल जाएगी। मुझे कंफर्टेबल सी चाहिए थी जो कि मैं आराम से पहनकर मूव अराउंड कर सकूं, तो उस पर्पज से मैंने ये थोड़ी सी लूज खरीदी है मगर ये मुझे परफेक्टली फिट आ रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पैंट है और इसको मैंने सिर्फ 150 रुपीज़ में खरीदा था। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जीन्सेस डिफरेंट प्राइस पर वहाँ से खरीद सकते हैं, मुझे तो बस बेसिक सी चाहिए थी इसलिए मैंने 150 रुपीज़ में इसको खरीदा। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सरोजिनी नगर से किसी भी टाइप की जीन्स खरीद सकते हैं। तो नेक्स्ट थी ये, मैंने सरोजिनी नगर से एक बॉडी सूट भी खरीदा है, तो ये है वेलवेट का बॉडी सूट। इसका कलर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना तो ये ब्लैक है ना तो ये सिल्वर है, ये ब्लैक और सिल्वर का कुछ मिक्स कलर है। इसकी आगे पीछे से राउंड नेकलाइन है, काइंड ऑफ बोट नेक है ये, और इसकी स्लीव्स कुछ इस टाइप की है, फुल स्लीव्स है, तो कुछ इस टाइप का ये बॉडी सूट है। इसके एंड्स पर टिच बटन भी दिए गए हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है ये बॉडी सूट, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा वेलवेटी सा है और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा वार्म भी है, बॉडी को अच्छे से गर्म रखता है। इस टाइप के बॉडी सूट्स को तो आप विंटर में मल्टीपल तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, आप इसे जीन्स और स्कर्ट्स के साथ कैरी कर सकते हैं या फिर लेयरिंग के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी वर्सेटाइल पीस है और वेलवेट का है तो बॉडी को काफ़ी ज़्यादा वार्म भी रखेगा। तो मैंने इसको खरीदा था सिर्फ 250 रुपीज़ में। तो नेक्स्ट है ये, हॉल लगभग ख़त्म होने वाला है और लास्ट में मैंने दो पीस बचा के रखे थे क्योंकि ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए और ये मैंने अलग अलग शॉप से खरीदे थे मगर मैं आपको इनको एक साथ दिखाना चाहती थी तो इसलिए मैंने इनको बचा के रखा था। तो ये दोनों जो पीसेज हैं ये दोनों मैंने अलग अलग शॉप से अलग अलग प्राइस पर खरीदे थे और ये लगभग एक दूसरे से मैच हो गए, तो मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरा एक कोट सेट बन गया है बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहला है ये टेडी वाला पजामा, तो ये बहुत ही सुंदर सा डीप रेड कलर का फर वाला पजामा है, इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कुछ इस टाइप का ये फर है, अंदर से भी ये काफ़ी ज़्यादा वॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है इसका और इसका कलर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डीप रेड कलर है और इसको देखते ही एकदम से क्रिसमस की वाइब्स आती है, क्रिसमस याद आ जाता है और विंटर सीजन चल रहा है, क्रिसमस आने वाला है, तो इसलिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था तो मैंने इसको खरीद लिया। और काफ़ी ज़्यादा सोच में थी मैं कि इस टाइप के पजामे का मैं क्या करूँगी, काफ़ी ज़्यादा भालू जैसा लग रहा है, पहले से ही मोटी हूँ और ज़्यादा मोटी लगूँगी, बट ये फर वाला जो फैब्रिक है इसका मुझे लालच आ गया। मेरे पास एक पिंक कलर की टेडी जैकेट है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है तो मैंने सोचा कि फर में फैब्रिक में भी मेरे पास कुछ होना चाहिए तो इसलिए मैंने ले लिया। पता नहीं क्या सोचकर मेरा दिमाग फिरा घूमा तो मैंने इसको ले लिया और अच्छा किया जो मैंने इसको ले लिया। तो जिनसे मैंने ये खरीदा था उन्होंने मुझे इसका प्राइस 200 रुपीज़ बोला था मगर आफ्टर बार्गेनिंग उन्होंने मुझे ये 150 रुपीज़ में दे दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे गई तो वहाँ पर मुझे एक और शॉप दिखी, वहाँ पर भी काफ़ी सारे वूलन आइटम्स थे, वूलन जैकेट्स थी और वूलन टॉप थे, फर वाले टॉप थे, तो वहां पर मुझे दिखा ये वाला टॉप, ये टॉप मुझे वहां पर दिख गया और ये भी सेम उसी वाले फैब्रिक का, उसी वाले मटेरियल का टॉप है और इसकी वी नेकलाइन है, ड्रॉप शोल्डर फुल स्लीव्स है और इसकी स्लीव्स कुछ इस तरीके की है और ये क्रॉप टॉप है, तो ये भी मुझे बेली बटन तक आता है, तो ये मुझे देखते ही इतना ज़्यादा पसंद आ गया और मुझे अपना ये वाला रेड कलर का पजामा याद आ गया, तो मुझे लगा कि मुझे इसको भी जल्दी से खरीद लेना चाहिए और दोनों को मिलाकर मेरा
एक अच्छा सा कोर्ड सेट बन जाएगा, तो वो ही सोचकर मैंने इसको खरीद लिया और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई इसे खरीद कर। इस फर वाले क्रॉप टॉप का प्राइस उन्होंने 300 रुपीज़ बोला था, मगर आफ्टर बार्गेनिंग उन्होंने मुझे ये 200 रुपीज़ में दे दिया। वैसे मैं इसको 250 या 300 में भी ले ही लेती, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये वाला ले चुकी थी, तो इसके साथ मैच करने के लिए मैं इसे 300 में भी ले लेती, मगर मैंने थोड़ी सी बार्गेनिंग की, थोड़ी सी कोशिश की, तो उन्होंने मुझे 200 में इसे दे दिया और ये मुझे 350 रुपये में दोनों पीसेज मिल गए और मेरा बहुत अच्छा सा कोट सेट बन गया और वो भी मेरे फेवरेट रेड कलर में। तो मैं इसको पाके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको खरीद के। अब बस मैं इसे क्रिसमस पर पहनूंगी और मुझसे वेट नहीं हो रहा कि जल्दी से क्रिसमस आए और मैं इसको पहनूँ। और इसको पहनकर मैं इसकी फोटोज़ भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगी, तो उसे देखने के लिए भी आप मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लास्ट प्रोडक्ट है ये, तो बस यही था मेरा सरोजनी नगर का विंटर क्लोथिंग हॉल। आई होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा क्लोथिंग आइटम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा अच्छा नहीं लगा, या जो भी आपके थॉट्स हों वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।